मीनाक्षी सिलाई कर रही है और पूजा आज कपड़े धो रही है। पूजा तो किसका सूट सी मीनाक्षी? फिरोक फिरोक सी प्यार रहेगी। अच्छा जी, तो कपड़े पूजा ने गेर दिया मशीन में और मशीन चला दी है। चला दी क्या? छोटे कपड़े हैं मेरे है सारे, और किसी के भी तेरे है? पापा ही गया, अंकित है, छोटू है। चावल छोले चावल खाओगे आज? ठीक है, देख देख बाइक का है, बाइक का कपड़ा कर चुका है। आज जाएंगे रॉयल इनफील्ड, चाबी तो ले आओ इसकी। चार से चल गई पांचवी की कमा हो गया मुझे पता तुम्हारे की तीसरी नंदू की फेवरेट बुलेट बाय टाटा टाटा। तो हम दवाई ले वो माँ की दवाई लेकर और माँ का प्याज जड़वा करा चुके हैं दर्द का। तो कैसे लगा माँ पहले मैं बाइक पे बैठे बुलेट पे मतलब के कैसा पता? अच्छा लगा बुलेट पे बैठ कर तो अच्छा लगा। अगर नू लगा मुझे तो बीड़ी बीड़ी सी जमा लगा, छोटी लगी है ना उसमें। हाँ, एक आदमी तो आराम से बैठ जा। गंदी छोटी इसकी बात, छोटी सी लगा, छोटी सी लगा गड्ढा खाया है बैठने वाली अलग जगह सी लगा है बुलेट पे और पीछे बैठने वाले की अलग सी है। अलग सी है, अगर बैठ तो अच्छा लगा उस पर। हाँ। पहली बार बैठी मैं, पहली बार बैठी और अलग बैठ लगा हुआ। हाँ, और भाई दर्द में भी भगवान पर अगर आराम ही लगेगा कल की जैसे मैं फिरी भी अंडी भी और देख इतनी देर तक मैं वहाँ भी बैठी रही। अन्य दिन पहले वाले दिन गई थी भी मैं कथा में, इतनी देर बैठी तो रही मैं 3 घंटे। अगर घर आना मुझे भारी हो गया, फिर आकर मेरे को कुछ नहीं होया, लोटी रही मैं, रोटी भी मुझे इन्हों नहीं दी, मेरे को उठा नहीं गया। और कल तो मैं आके वहां था एक आधा काम भी करा, इतना दर्द नहीं महसूस हुआ मुझे। तो हम कल भी गए शनिवार वाले दिन और आज संडे में भी गए हैं रविवार में, तो 2 दिन की झाड़ करते हैं वे और दवाई देते हैं। तो अगले हफ्ते फिर जाएंगे शनिवार को और संडे को भी। तो आराम तो वहाँ को लगा, पहले दिन ही आराम लगाया इतना, तो आगे भी आराम लगेगा। और तो 3 हफ्ते की दवाई है और 3 हफ्ते जुड़वाना है, तो अगले हफ्ते फिर जाएंगे। ठीक है, चलेंगे सवेरे चलेंगे। और आज संडे गए थे गुड्डू और चिंग जी, कैसे लगे भैया अपने काम में? चलो संडे पड़ेगी आज बताओ क्या करते हैं तुमने डेयरी में वर्क दे दी है, पढ़ा क्या वर्क करना है सर? ये क्या पेन कौन सा रिफिल है? पेन है वो रिफिल है इसका पेन पेन है मेरे पे रखे वो सारे खोलवा रखे ये दिए अच्छी वाले हैं ये वाले नहीं है मेरे वाले इस बावली के। अरे भैया जी आप बार बार बावली को कह रहे हो और अभी भैया बना रहे हैं ट्रेन।
फोन में देख के बना रहे, पीछे देखो ट्रेन बनानी मुझे आज जी। सेम टू सेम, सेम टू सेम तो बनने की नहीं, पर बना दूंगा सर। बना दोगे? हाँ, फिर जाना भी तो ना हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, वहाँ वैष्णो देवी इसी से ही चले जाते हैं सागुंबर, और वहाँ भी चलेंगे केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, तो इसी ट्रेन पर बैठ के चलेंगे? नहीं, ट्रेन पर जाना, बुलेट पर चलेंगे। ओए ओए, बुलेट पे राइडिंग करनी मुझे 1000 किलोमीटर की। ओ आप तो बुरे छा गए बुलेट पे। अच्छा, आप कितनी खुशी हो रही बुलेट आ गई? इतनी ओ इतनी, जब कोई वाहन आवे ना घर में तो इतनी खुशी होवे। 25 पासवर्ड में फंस गई भैया। ये ट्रेन बनानी आज मुझे। ठीक है, तो कह मैं जा रही है प्रैक्टिस में, जा रही चाची जी को, प्रीति चाची को प्रैक्टिकल में जा रही बीएड में, और ऐसे ऐसे अभी तो 4-5, 10 चार्ट बनाने हैं। ओ देखो ये रखे हैं, और इनमें तो 5 तो मुझे बनाने हैं, 5-6 तो बनाई दूंगा आज। ओए वेरी गुड, शाबाश, बना दो। जो कुछ भी चाहिए हमें बोल दियो, हम क्या चाहो, जो कुछ भी चाहिए हमें बोल दियो, पानी ला के रख दो, ठंडा ठंडा सा कर रखा वैसे तो फ्रिज पे। एक काम कर, मुझे केला छोड़ दे, अर्थी आता लिखा चाहिए। अबे भैया की ये ट्रेन लगभग बनने वाली है, अब भैया 9:30 बजे से लग रहे और अभी 1 बजने वाला है। अभी देख लो कितना टाइम लग रही है एक ट्रेन बनने में, और ये 10 चार्ट बना रहे, अभी इन्हें मिले हैं 3 चार्ट, और तो फिर भी 10-12 दो बजे से लग रहे, 9:30 से 12 बजे 3 घंटे लग गए तो ट्रेन बनने में 3 घंटे लग जाए, अब मैंने 3 घंटे बना दी बता। पर अच्छा वो तो रियल की ट्रेन हो, ये तो ड्राइंग की है, और इन्हें 3 चार्ट मिले और बाकी गगन भैया लेंगे, उन्होंने ली बाकी की जिम्मेदारी की है, मैं बनवा के ला के दूंगा। अभी ले गए वे 6-7 चार्ट वे ले गए, अब 3 इन्हें बनाने। अब देख लो भाई, और नंदनी भी यहीं खड़ी है। चलो बना लो। अच्छा बना लो, एक गिलास पानी पिया दो। जा दौड़ करके कन्हैया को पकड़ा सूंड में, ऊपर को लेकर जाने लगा, बाल बाल तो डर गए। भगवान ने अपनी मुष्टिका का प्रहार कुबलया पेड़ के माथे में किया, एक पल के लिए बुद्धि चक्कर काटने लगी। भगवान ने सूंड पकड़ करके उठाया हाथी को, उठा करके घुमा करके धड़ाम जमीन पर दे मारा। कुबलया पेड़ हाथी की गोविंद गाय नमो नमः हो गई। एक दांत कृष्ण ने उखाड़ा, दूसरा बलदाऊ जी ने, रक्त की बूंदें हाथी के, रक्त की बूंदें भगवान के पीले पीले वस्त्रों पर पड़ गई हैं। भगवान का अलौकिक सौंदर्य है। महावत दूर से देख रहा था, दौड़ा दौड़ा गया, जाकर संत को कह दिया, मार दिया मारा, बोले कुबल या पेड़ में मारा गया। अब तो कंस की धड़कनें तेज हो गई, पहलवानों को इशारा कर दिया, ये दोनों भाग नहीं पावे, युद्ध में मार दो, मल्ल युद्ध में। कृष्ण बलराम जैसे रंगभूमि में प्रवेश किए, सर दो सर दो मल्ल आए, एक एक को भगवान ने छोर छुड़ा दिया, और जैसे मल्लों को मरता हुआ देखा, कंस चिल्लाने लगा, कृष्ण बलराम को पकड़ लो, नंद बाबा इत्यादि को बंदी बना लो, इनका धन छीन लो, वापस नहीं जाने पाए। इतना कहना था कि भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़ गए, केस पकड़े और घसीट करके रंगभूमि में डाला, और जैसे ही रंगभूमि में डाला, जैसे कोई सिंह किसी गीदड़ को पकड़ करके घसीटता है, वैसे भगवान केस पकड़ करके रंगभूमि में घसीट रहे हैं। कंस कहता है, महाराज गलती हो गई, छोड़ दो, पीड़ा हो रही है बालों में। भगवान कहते हैं, याद करो, एक दिन तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े थे, तब तुम्हें पीड़ा नहीं हुई होगी, लाला गलती है कि छोड़ दे। भगवान कहते हैं, पहले तो मैं काऊ को पकड़ूंगा, और जाको पकड़ लूंगा को बीच में ना छोड़ू, ठिकाने लगा के छोड़ू। भगवान ने केस पकड़ करके घुमा करके ऐसे फेंका, डर के मारे भागने लगा, दौड़ कर भगवान ने पीछे से एक लात लगाई, धम्म से गिरा, भगवान ने छलांग मारी, सीने पर बैठे और दो मुष्टिका का प्रहार माथे में किया, रक्त बहने करके ढेर हो गया। बोलिए देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, नगर के लोग जो व्यापारी लोग हैं भगवान को भेंट देना शुरू कर दिए।
क्योंकि नए राजा कृष्ण बने। आज बड़ा आनंद बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया भगवान ने। अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। उनके दाढ़ी बाल इत्यादि बढ़ गए थे, जेल में पड़े पड़े सारे संस्कार दोबारा उनके कराए। बाबा नंद ने कही लाला यहाँ का काम तो है कि और वापस चले। भगवान कहते हैं मुझे कुछ दिन मथुरा रहना है, बाबा आप जाओ और मैया को कहना मेरी याद नहीं करे, मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। यथा योगी जितने ग्वाल थे उनको भगवान ने राजभूत से भेंट लेकर के विदा कर दिया। बाबा नंद लौट करके ऐसे आ रहे हैं जैसे मेले में कोई अपना सब कुछ लुटा करके लौट रहा है। आज जैसे ही वृंदावन में आए मैया ने सुना, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा था उसको साथ लेकर के आना, तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? आज पूरा वृंदावन प्राण विहीन हो गया। ब्रज के विरही लोग दुखारे, ब्रजवासियों के प्रेम का कोई क्या वर्णन करे। उज्जैन में कृष्ण बलराम को शांतिपनि मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। थोड़े समय में सभी विद्याओं में पारंगत हुए। भगवान सुदामा से मित्रता हुई। अंत में वापस आते हुए अपने गुरु के मृत पुत्र को पुनर्दत्त को यमराज के यहाँ से लेकर के भगवान ने गुरु पुत्र को प्रदान किया गुरु जी को। और आज गुरुदेव से विदा लेकर के भगवान मथुरा में पधारे।